YouTube की मंथली इनकम क्या है, आप YouTube से कितने पैसे मंथली बेसिस पे आप कमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? मैं हूं मुदस्सिर खान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मुदस्सिर व्लॉग्स। आज की इस वीडियो को मैं व्लॉग तो नहीं कह सकता, बल्कि ये क्यू एंड ए वीडियो है जिसमें आपके मैं तमाम तर सवाल के जवाब देने वाला हूँ। करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी मेरी लेटेस्ट अपलोड आती रहती हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे दोस्त आए रोज मुझे जहाँ भी मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। सोचा कि हर एक को सेपरेटली आंसर देने की बजाय मैं एक Q&A वीडियो बना रहा हूँ जिसमें तमाम तर सवाल थे मैं जवाब दूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बहुत सारे सवालात में लोग पूछ रहे हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कमेंट सेक्शन। आज मैं तमाम तर सवालात के जवाब आप लोगों को दूंगा। पहला और कॉमन सवाल जो कि मुझसे बहुत ज्यादा दफा पूछा गया है वो ये है कि आपकी YouTube की मंथली इनकम क्या है, आप YouTube से कितने पैसे मंथली बेसिस पे आप कमा रहे हैं। तो इस बात का जवाब मैं देना लाजमी समझता हूँ, और इस बात का जवाब मैं इस वीडियो की किसी भी टाइम दे सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज की मेरी Q&A वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है। तकरीबन हर बंदा जहाँ मिलते हैं, जो व्यूवर्स जहाँ भी मिलते हैं, वो पूछ रहा होता है कि आपकी यूट्यूब की मंथली इनकम कितनी है। तो आज की इस सवाल का जवाब अपने इस वीडियो की किसी जगह पे भी दे सकता हूँ। आप लोग अगर सुनना चाहते हैं कि मेरी मंथली इनकम कितनी है तो आप लोगों को चाहिए कि मेरी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि मैं किसी जगह पे भी बता सकता हूँ कि मेरी यूट्यूब की इनकम कितनी है। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, एक दोस्त ने कहा कि आपका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। भाई चैनल मोनेटाइज है तो मेरी अर्निंग आ रही है, ऐसे तो अर्निंग नहीं आती। चैनल मोनेटाइज करवाने का उनका क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का। यूट्यूब का क्राइटेरिया ये होता है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपने कंप्लीट करना है। ये जब आप थ्रेशोल्ड पूरा करते हैं तो उसके बाद आपका चैनल अंडर रिव्यू चला जाता है, एडसेंस अकाउंट आपका बन जाता है। उसके बाद आपने एडसेंस अकाउंट को लिंक करना होता है अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और जब अप्रूव हो के आपका चैनल आ जाता है, आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में इंटर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको मेल आ गई थी आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में इंटर हो चुके हैं और आपकी वीडियो पे एड चलेंगे, जो 5-5 सेकेंड्स के एड चल रहे होते हैं वीडियो के स्टार्ट में, मिड में और लास्ट में, तो उनसे आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई ने पूछा है कि भाई आपने प्रमोशन कहाँ से करवाई है। प्रमोशन भाई जान, मैं आपको बताऊँ तो प्रमोशन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि एक दूसरे से लिंक है किसी न किसी तरीके, प्रमोशन की वजह से उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है, उनके चैनल ग्रो हो रहे हैं। तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि मैंने आज तक कहीं से कोई प्रमोशन नहीं करवाया। प्रमोशन का फायदा तो होता है, व्यूअरशिप आपकी बढ़ जाती है, लेकिन मेरे 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स भी हैं और 4000 घंटे भी मेरे कंप्लीट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आ रहा है, मैंने कहीं से कोई प्रमोशन कभी भी नहीं करवाया। अगला सवाल ये है कि वीडियो एडिट कैसे करते हो, किस सॉफ्टवेयर से करते हो। तो भाई मैं इस चीज का जवाब देता हूँ, बिल्कुल आपको इस चीज का मैं जवाब दूंगा। मैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉइन मास्टर यूज करता था, कॉइन मास्टर का प्रो वर्जन मेरे पास था अनलॉक प्रीमियम, तो वो उसने मुझे मदद नहीं किया। मैंने तकरीबन स्टार्टिंग में वो यूज किया था 2-3 मंथ, लेकिन एडिटिंग जो आर्ट मैंने की थी एडिटिंग वो मैंने कॉइन मास्टर से ही की थी, उसी से मैं सीखा था। उसके बाद मैंने मूव कर लिया जनाब पावर डायरेक्टर में। पावर डायरेक्टर अब मेरा बेस्ट है जनाब, फेवरेट है मेरा। पावर डायरेक्टर का प्रो मोड मेरे पास है, तो उसके साथ मैं जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं मैं उसको एडिट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो गया, कोरल ड्रा भी काम हो गया, इन पेज, बाकी ये है कि जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है, वीडियो एडिटिंग का काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब जानता हूँ। और आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है मैंने खुद, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चौके दे दे के, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चौके दे दे के, मैं ऐसे ही ना फिर पंगे ले लेके मैंने ये सब कुछ सीखा। और अपने आज तक मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि मैंने YouTube से कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा कि पोस्टर कैसे बनता है, थंबनेल कैसे बनता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करता हूँ
आप करते हो, खुद ही करता हूँ, खुद ही मैंने सीखा है सब कुछ। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपनी वीडियो का इतना प्यारा सा थंबनेल कैसे बनाते हैं? थंबनेल भाई मैं प्यारा तो नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से तो आई कैचिंग नहीं होता, लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि आपका जो क्वेश्चन है कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो थंबनेल मैं भाई मोबाइल से भी बना लेता हूँ और मोबाइल में सॉफ्टवेयर से बन सकता हूँ, और मैं लैपटॉप पे बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। अगर आप लैपटॉप पे बनाना चाहते हैं तो आप कोरल ड्रा यूज करें, बाकी अडोब प्रीमियर प्रो उस पर भी बना सकते हैं, और उसको मुझे कोई आइडिया नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं मोबाइल पे बनाता हूँ, मोस्टली मैं मोबाइल पे बनाता हूँ। मोबाइल पे तरीकाकार ये होता है कि एक प्ले स्टोर से आपको एक पिक्सल है, उस पर जाके आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं यूट्यूब से, वो जो मतलब कि ट्यूटोरियल में सब कुछ वो आपको सिखा रहे होते हैं कैसे थंबनेल बनाए जा सकते हैं, और मैं पिक्सल ऐप को यूज करते हुए मैं अपने जो है थंबनेल बनाता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? सब्सक्राइबर्स भाई ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती, जब आप मेरी वीडियोस प्ले कर रहे होते हैं तो नीचे मैं सिर्फ 20,000 लिखा होता है, और नीचे उसके जो है वो मैंने अनहाइड कर दिए हैं। पहले हाइड थे, थोड़ा मसला था, तो अभी मैंने अनहाइड कर दिए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 2K प्लस मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है जनाब, आपकी तरह वीडियो एडिटिंग और थंबनेल कैसे बनाए? भाई मैं तो अगर मुझसे कोई सीखना चाहे तो मैं उनको सिखा सकता हूँ वीडियो एडिटिंग भी, और मैं अपना बताऊँ तो मैंने खुद से सीखा है, मैंने किसी से कोई चीज़ कभी नहीं पूछी। थंबनेल भी मैं खुद बनाता हूँ, वो सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप डाउनलोड कर लें और ट्राई करें, 2-3 दिन ट्राई करें, ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप बना के उनको एडिट करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वीडियो एडिटिंग आ जाएगी। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग के लिए आपने पावर डायरेक्टर यूज़ करना है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, और थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल है, आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है एप्लीकेशन, तो उसमें आप पंगे शंगे लेके तो आप इजीली उससे सीख सकते हैं। अगर पंगे शंगे आप नहीं ले रहे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें कि हाउ टू मेक थंबनेल इन पिक्सल लैब, तो आपको वो A to Z आपको समझा देंगे कि कैसे थंबनेल बनाया जाता है। और वीडियो एडिटिंग अगर आप लिखेंगे कि हाउ टू एडिट वीडियो इन पावर डायरेक्टर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो वो आपको सारे का सारा प्रोसेस जो है वो समझा देंगे, और 4 मिनटों में आपको वीडियो एडिटिंग आ जाएगी। तो अभी आते हैं जनाब अपने मेन और कॉमन सवाल पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्यू एंड ए वीडियो का मेरा क्वेश्चन है कि आपकी मंथली इनकम यूट्यूब से कितनी है, आप मंथली कितने पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से? पैसा ही पैसा हो गया। यूट्यूब से पैसे कमाना मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और हाँ जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए सबसे मेन मसला ये होता है कि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा होता, उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, क्योंकि इनका क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और दूसरा है कि 4-4 घंटे का जो वाच टाइम होता है वो भी कंप्लीट करना होता है। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह चैनल को मोनेटाइज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चैनल मोनेटाइज मेरे जब चैनल मोनेटाइज नहीं था तो मैं समझता था कि सबसे मुश्किल काम ही चैनल को मोनेटाइज करवाना है। मोनेटाइज जब हो गया मैं समझता था कि मोनेटाइज हो जाना तो मेरी इनकम जना बल्ले बल्ले इनकम मेरी स्टार्ट हो जानी है। चैनल मोनेटाइज हो गया आप, उसके बाद मसला ये होता है कि कंटेंट क्रिएशन को आपने कंटिन्यू रखना पड़ता है, ठीक है। आप 1-2 महीना आप बड़े पैशनेट होकर आप बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, कंटेंट अपना क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन व्यूज बहुत ज़्यादा कम होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स हैं हम। तो मैं अपने सुनाऊंगा आपको, मैंने तकरीबन 3-4 महीने काम जारी रखा, मैं वीडियो बनाता रहा, एड्स चलते रहे, मेरा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता रहा, RPM भी मेरी वीडियोस पे अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह लगता रहा, $30-25 हुए। तो मैंने कहा भाई ये बहुत मुश्किल काम, मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? इससे मैं इतनी जल्दी मेरी इनकम नहीं आने वाली। तो फिर मैंने 2-3 महीने मैंने काम ही नहीं किया, 2-3 महीने मैंने काम ही नहीं किया, वीडियोस को ऐसे ही छोड़ दिया जहाँ पे मेरा चैनल था। 2-3 हफ्ते के बाद ऐसे ही मैं कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो ऐसे फेंक देता था। तो प्रीवियसली मैंने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैंने अगेन काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि बस बंदा वेला ही रहता है घर में तो क्यों ना वीडियो बना ली जाए। अरे मैंने अगर बड़ा यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए मुझे सिर खपाना पड़ेगा, ठीक है, 1-2 साल मुझे रोलना पड़ेगा, तो वो मैंने प्रॉपर अभी से वीडियोज बनाने स्टार्ट कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह
व्यूज भी दोबारा से मेरे वीडियोस पे आने लग गए हैं। हालांकि मैं तो मैंने ब्रेक ले लिया और वीडियोस भी नहीं बनाई, तो फिर भी मेरी ऑडियंस का शुक्रिया है कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं। आहा, बहुत चंगा ना। मैं अर्निंग जो होती है यूट्यूब की, वो तभी होती है जब आप प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं। यूट्यूबर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 साल पहले से यूट्यूबर, मुझे यूट्यूब का सारा पता है। तो कंटेंट क्रिएटर अब जाके मैं बनाऊँ तकरीबन 1 साल हो गया। कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर में ये फर्क होता है कि यूट्यूबर कोई भी वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाता है, उसको एडिट उडिट करके फेंक देता है जी अपने चैनल पे, मैं आपका जीना हराम कर दूं। अगर एडिट नहीं भी करता ऐसे फेंक देता है, तो वो यूट्यूबर तो बन गया। लेकिन कंटेंट क्रिएटर उस टाइम बनेगा जब उसके कंटेंट उसका अपना होगा, मतलब कि एक स्पेसिफिक वो टॉपिक को चूज करेगा जिसपे वो अपनी वीडियोज बनाएगा और खुद ही उसकी वीडियोज होंगी, तब जाके वो कंटेंट क्रिएटर बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको अपने तमाम तर सवाल के जवाब मिल गए होंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।